हाँ जी नमस्कार, जय हिंद जय भारत साथियों। आज जो मैंने पीछे वीडियो बनाए हैं उन वीडियो के ऊपर बच्चों के जो कमेंट आए हैं उन कमेंट में लगभग जिनके समान जो कमेंट है एक जैसे कमेंट आए हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। पहला सवाल सब बच्चों का यह है कि सर टीए की भर्ती है वो कब होगी, कब होगी, क्योंकि YouTube पर पिछले 5-10 दिन के अंदर इतना भयंकर भूचाल मचा हुआ है बवंडर कि आ गई टीए की भर्ती, आ गई टीए की भर्ती। तो याद रखना जो भूचाल मचा हुआ उसको देखते हुए जो टीए है उस टीए की वेबसाइट के ऊपर भी आ गया है कि ये जो आप के पास जो नोटिफिकेशन है वो आपका क्या है, फेक है। क्या है? फेक है। तो याद रखना टीए की भर्ती का अभी तक कुछ पता नहीं है। जब भी टीए की भर्ती आएगी सबसे पहले आपको टीए की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो टीए की भर्ती का अभी तक किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नहीं आ रहा है। सब क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। तो उनसे बच्चे और अपनी तैयारी के ऊपर क्या करो, ध्यान दो। दूसरा सर अग्निवीर फोरम है उनकी लास्ट डेट, तो पहले इनकी लास्ट डेट क्या थी, 15 मार्च, लेकिन हुआ क्या, जो आपकी साइट है वो साइट बहुत स्लो चल रही है, साइट बहुत स्लो चल रही है और स्लो चलने के कारण इनको क्या कर दिया, 5 दिन और बढ़ा दिया गया। लास्ट डेट कितनी कर दी गई है, 20 मार्च। तो घबराए मत, अब जो कर रहे थे ना कि 5 दिन ही बचे हैं, 3 दिन ही बचे हैं, अब उनके लिए 5 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। अब भी वो क्या करेंगे, लापरवाही करेंगे कि अब भरवाएंगे 17-18 तारीख को, तो कल ही सुबह क्या करना, अपने डॉक्यूमेंट उठाना और चुपचाप चले जाओ और फॉर्म भराओ, नहीं बाद में वजू करेगा कि मारो फॉर्म को नहीं भरेगा। फिर देखो क्या होता है फॉर्म में गलती, बहुत से बच्चों की फॉर्म में क्या आ रही है, गलती आ रही है, किसी का पिताजी का नाम, किसी के आधार कार्ड में, किसी की डेट ऑफ बर्थ, किसी की ग्रेजुएशन या किसी का जो 10th है वो किस स्कूल से की, किस साल की, इनके अंदर क्या हो गई, गड़बड़ आ रही है, गलती हो गई। तो सबसे बड़ा रीजन है वो आप खुद हो इसकी गलती के का, क्योंकि जब आप फॉर्म भरवा रहे हो तो आप क्या करो, फॉर्म भरने के बाद देखो कि जो डिटेल भरी है वो सही है या गलत है। आप क्या करते हो, भरने वाले पर छोड़ देते हो कि भाई मैं जा रहा हूं तू फॉर्म भर दिए, और वो क्या करता है उससे गलती हो जाती है, इंसान है। तो अपना फॉर्म भरो तो 5-7 मिनट दे देना उसको, देख लेना कि कोई गलती वगैरह तो नहीं हो गई है, और यदि गलती हो गई तो आप अपने जो भी ARO लगता है आपके उस ARO में जाओ और वहां के अधिकारियों से बात करो, वो आपको इसका कोई ना कोई क्या देंगे, समाधान जरूर बताएंगे। बाकी किसी के पास मत करो कि ये गलती हो गई, डायरेक्ट जाओ ARO में जाओ और उनसे अधिकारियों से बात करो, बताओ कि ये गलती होगी, वो आपको क्या कर देंगे, सही दिशा निर्देश दे देंगे। फिर सर नर्सिंग असिस्टेंट और GD दोनों में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो याद रखना दोनों के फॉर्म है, दोनों में एक साथ फॉर्म क्या हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं, क्योंकि मेरे अभी तक 8-10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नर्सिंग से भी भरा है और GD से भी भरा है, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे या कोई एक आएगा या दोनों आएंगे। तो ये तो पता चलेगा जब भर्ती शुरू होगी, एडमिट कार्ड आएंगे तब ही पता चलेगा कि इनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं या एक भरा है या दोनों आ जाएंगे। ये इन्होंने क्या लिया है, रिस्क लिया है। यदि आप में भी ये रिस्क लेने की हिम्मत है तो इस प्रकार का रिस्क लो, अन्यथा आप को लगता है कि मेरी तैयारी नर्सिंग असिस्टेंट की बहुत अच्छी है तो आप इसका भरो, या GD की अच्छी है तो GD में भरो, एक पे भर दो फॉर्म, क्योंकि यदि 99% दोनों का आ जाए और 1% आपका रिजेक्ट हो जाए तो आप एक साल क्या चले जाओगे, बैक चले जाओगे। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।